आज अत्यंत भीड़ होने जा रही है, उसके लिए व्यवस्थाएं भी करनी है। और आज हमारे गोविंद का भी प्रादुर्भाव है, गोविंद की भी कथा होने वाली है, भगवान आने वाले, भगवान आने वाले हैं तो उनका भी स्वागत अति आवश्यक है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। हमारे राहु केतु के भी घर परिवार के सब लोग पधारे हैं, मुखी और भूरे के घर से। ये हमारे कुंडली के दो नवग्रह हैं, इनको हमने कुंडली में से निकाल करके अपने पास बुला लिया। कल हम लोग अपना चेला, हमारा चेला है भूरे, उसके यहां बैठे थे कल हम लोग। हमने पूछा, हमने कहा बहू क्यों नहीं आती है, तो भूरे की माताजी ने कहा कि बहू को ये शैंपू नहीं लाता है। हमने पूछा, हमने कहा शैंपू क्यों नहीं लाता, बोले 5 बजे शैंपू मंगाती है। अब बताओ 5 बजे थोड़ी उठेगा वो। हमने उसकी बहू से कहा, हमने कहा एक काम किया करो बेटा, ये 8 बजे उठता है, तुम 10 बजे उठा करो, जब ये तुम्हें जगाएगा क्या जरूरत है। ऐसे सभी ग्रामवासी पधारे, आप सब जन विद्युत जन बैठे, पीछे हमारे गांव वाले बैठे, बढ़िया अच्छी अच्छी मूछन पे ताव दे के दद्दा कक्का ने साहब जने विराजमान। हद तो जा हो गई, जो मंच पे आऊ और वे मंच पे अगर माला भी पहरा तो वे हमें माला बाद में पहराऊ, माला पहरा के सबसे पहले कैमरा तर्पण देखा थे ऐसे। और जब तक देखा था ना, जब तक कैमरा बाहर जाना के दद्दा हो गई तुम्हारी वीडियो, अब मंगाई बढ़ो। तो बड़ा आनंद है, सब लोग खूब मस्ती में आनंद ले रहे हैं, और बरसात भी रिमझिम रिमझिम बरस रही है, और कथा भी हो रही है, और आनंद भी आ रहा है। तो आइए, अरे वाह, देखो भूरे आ चुके हैं, उनकी धर्म पत्नी जी मोटरसाइकिल से पधार रही हैं। बड़ी मुश्किल में इनकी शादी हुई भैया, जब भूरे की शादी हुई तो कम से कम हमें पगुआ भर की तो इन्हें सोने की चैन पहरा होने आई। आप विश्वास मानो, सोने की चैन पहनी तो सोने की चैन अंदर डली थी इसकी, तो जैसे ही जो देखवे के लाने गए सोने की चैन हाथ से उछाले। हाँ आ गए, सोने की चैन हाथ से उछाले कि देखवे वाह, अगर देखे तो वे जाके कि सोने की चैन पहने लड़का। हाँ ये तो ब्रह्मांड में अलग ही बने, भगवान ने इन्हें अलग ही बनाया। ऐसे हमारी राजस्थान में कथा चल रही थी, ये सो गए भूरे। अच्छा, इनका नाम ही भगवान ने बहुत अच्छा रखा भूरे, तो ये सो गए। अच्छा, जब ये सो गए तो क्या हुआ कि गोवर्धन की पूजा थी, गोवर्धन की, सो ये सो गए, सो इनकी लग गई नींद। नींद लगी सो बहुत खतरनाक लगी, अब नींद लगी सबसे खतरनाक। अब हुआ का, गोवर्धन की पूजा आ गई, हम गीत गाने लगे, तो हमने देखा कि गोवर्धन तो है ही नहीं। भूरे उठे, अब क्या किया जाए, भूरे उठे, उठे सो इन्हें गोबर तो मिलो ना, गोबर की जगह इन्हें तसला लौटा के, और तसला के ऊपर सफेद कपड़ा और लाल कपड़ा डाल के पूरे राजस्थान का परिक्रमा करवा दे। बाद में हमने देखो कि यार गोवर्धन भगवान को तो पेट बहुत मोटो है, हम भगत गए, हमने गोवर्धन के ऊपर को पटका निकालो, लोर को तसला धरो। हमने भूरे से कहे नहीं भैया ये बंद कर दे यार, बोले काहे नहीं बंद कर दे, नहीं तो राजस्थान के सबरे माने तो। ऐसे पिछले वर्ष हमारे यहाँ कथा चल रही थी, यही ये टीन सेट नहीं था पिछले साल, आप लोग जो जो भी हो, माता जी टीन सेट नहीं था, हमने अपने यहाँ के पूरे चच्चा का वो लगवाया। हमने उनका वो लगवाया टेंट, क्या लगवाया टेंट, टेंट लगवाया, सो टेंट ने चपेटा गली होगी बरसात की। ए तुम लोग कथा तो सुनो, कथा सुनो सब लोग, जब तो मन लगेगा वक्ता का, जब कथा ही नहीं सुनोगे तो क्या मन लगेगा, खाक। हमने बढ़िया टेंट लगवाया, टेंट लगवा करके हम गए मऊरानीपुर में कार्ड उठाने के लिए, लौट के आए सो टेंट उल्टा हो गया, पांव ऊपर हते और कमर नीचे हते, यानी कि टेंट लौट गो। हमने पूछा, हमने कहा भैया ये टेंट को क्या हो गया, बोले महाराज जी कछु नहीं हुआ, कार्यक्रम कल से है,
टेंट खड़ा होते होते थक गया है, इसलिए वो सो रहा है। फिर उसको सीधा करवाया, जैसे तैसे कथा की, कथा की से ऊपर से पन्नी में वो भर जाए पानी, पानी भरे देते लेकर किसी के बगल से निकल जाए किसी के। अच्छा, बारिश का एक अपना मजा है साहब। अभी यहां जितनी माताएं बैठी सब सच सच के आ रही हैं और नीचे से सबरी भीग जाती है साहब साहब, और जितनी जाती उतनी गुस्सा में होके जाती, देखो तो कितने सच के आए, पूरे भीग गए, महाराज जी ने कोई व्यवस्था नहीं की। तो बारिश का एक अपना ही मजा है, रिमझिम बारिश हो और भगवान की कथा हो, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता है। आज हमने भगवान से स्पेशल कहा था कि पानी बरसाना, बोले क्यों, हमने कहा इसलिए बरसाना कि माताएं चारा काटने के लिए ना जा पाए, कम से कम कथा में भीड़ तो हो जाएगी।